हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट अगेन आवर रिग्रेशन चैप्टर टॉपिक इज यूजिंग डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन पहले हमने सिंपल रिग्रेशन किया था अब एक्चुअल मीन मेथड हम यूज़ करेंगे एक्चुअल मीन में आपका क्या होगा जैसे हम करते आए थे y माइनस वाई वार इज इक्वल टू बी वाई एक्स कॉफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स इन टू एक्स माइनस एक्स बार अब एक्चुअल मीन मैथड में जो बी वाई एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा समेशन एक्स वाई अपॉन अपन समेन एक्सर जो एक्स है हमारे पास इस स्मॉल वाले एक्स का मतलब क्या होता है कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार और स्मॉल वाई का मीनिंग हो गया हमारे पास वाई माइनस वाई बार ऐसे ही जब हमारे पास ये तो हो गई वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई करेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार तो समीशन एक्स वाई तो सेम रहेगा बी एक्स वाई पे एक्स ऑन वाई पे अपॉन में समीशन वाई के उसमें आ जाएगा देखिए कैसे हमारे पास ये इक्वेशन है वाई ऑन एक्स तो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार ये हमारे पास इकल करो या ना करो बात एक ही है अब बी वाई एक्स जो कॉफिशियंट है रिग्रेशन कॉफिशन उसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास समेशन एक्स वाई अपॉन समेसन एक्स स्क्र पहले कर चुके हैं जो हमारे पास लास्ट में है जिसके ऊपर है हमारे पास जैसे वाई ऑन एक्स है तो अपॉन में एक्स स्क्र ही रहेगा और स्मॉल एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स बार स्मॉल वाई का मतलब वाई माइनस वाई बार ऐसे ही हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई होगा तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार सेम है हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू लिख देंगे समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाइस क्यों और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे देखिए इसका इक्वेशन कर लेते हैं ऑप्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिग्रेशन इक्वेशन हमें ऑप्टेन करनी है ये एक्स और वाई हमें गिवन है तो हमने क्या करना है पहले एक्चुअल मीन निकालेंगे टू और फोर सिक्स और सिक्स ट्वेल्व और एट ट्वेंटी थर्टी फोर्टी टू फोर्टी टू अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सिक्स सिक्स से डिवाइड कर दिया सेवन आ गया आपके पास सेवन एक्स बार आ गया आपके पास मीन आ गया मीन का फॉर्मूला था हमारे पास एक्स बार के समेशन एक्स अपॉन एन ये आया सेवन वाई बार का था समेशन वाई अपॉन एन थर्टी अपॉन सिक्स फाइव हो गया आपके पास फिर एक्चुअल मीन मेथड है हमारे पास एक्स बार की वैल्यू सेवन टू माइनस सेवन फोर माइनस सेवन सिक्स माइनस सेवन एट माइनस सेवन टेन माइनस सेवन ट्वेल्व माइनस सेवन ये आ गया फिर एक्स स्यर निकाला हमने ऐसे ही वाई है आपके पास फोर टू फाइव टेन थ्री सिक्स वाई बार आपके पास फाइव है वाई माइनस वाई बार निकाल लिया ये आ गया आपके पास फिर समेश वाई स्केयर किया उसका समेशन निकाल लिया फिर एक्स वाई के स्मॉल वाले एक्स वाई की ध्यान रखना है कैपिटल और स्मॉल में बहुत डिफरेंस है कैपिटल एक्स आपको गिवन है स्मॉल एक्स इक्वल होगा एक्स माइनस एक्स बार के एक्स माइनस एक्स बार लिखो या फिर स्मॉल एक्स लिखो बात एक ही है, की है। फिर इनका समेशन कर लिया सबका आप पहले निकाल लिया कॉफिशियन वाई ऑन एक्स का आपने निकाला पहले समेशन एक्स वाई आपके पास एटीन आप ऑन में एक्सक्र तो इसकी एक्सक्वर की वैल्यू थी सेवेंटी सोल करके आ गया जीरो पॉइंट टू फाइव सेवन बी एक्स वाई आपके पास आ जाएगा फिर रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर दो जो जो वैल्यूज आपको गिवन है तो डायरेक्ट आपकी इक्वेशन आ जाएगी वाई ऑन एक्स नहीं तो हमने लास्ट में अगर आप देखो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें नहीं लिखा हुआ कि हमें एक्चुअल मीन मेथड यूज करना है या क्या करना है अगर एक्चुअल मीन लिखा होगा तभी नहीं तो हम डायरेक्ट ये वाले भी जो लास्ट में हमने किए थे पिछले एक्सरसाइज में वो भी हम इज़ली ऑप्ट कर सकते हैं ये वाला बी कॉफिशन के लिए एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन में एन इंटू समेसन एक्स माइनस समेशन एक्स स्यर एक्स का होल स्केयर कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं जब तक आपके पास स्पेशली मेंशन नहीं है अब इसने कहा दो दोनों की दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी थी वाई ऑन एक्स भी एक्स ऑन वाई अब वैल्यू ऑफ वाई निकालना अगर x है अगर एक्स गिवन है वाई ऑन अगर आपके पास एक्स गिवन है तो पहले हम निकाल लेंगे यहाँ गया आपके पास जैसे वाई ऑन एक्स है एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देना फोर्टीन तो वाई की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट आपके पास है इसी में ही एक्स ऑन वाई आपको फाइंड आउट करना है तो एक्स माइनस एक्स बार इसका कॉफिशियन हमने निकाल लिया था रिग्रेशन कॉफिशियन वाई माइनस वाई बार वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया ऑप्टेनिंग रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यूज जो इंटरमीडिएट वैल्यूज लिखे हुए हैं उसी के बेस पर हमें रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है अब इंटरमीडिएट इक्वेशंस का मीनिंग ये होता है जो फॉर्मूला आपको लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है जो भी फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग फिट हो रहा है उसी को आपने करना है एक्स बार है वाई बार एन समेशन एक्स के समेशन वाइज के समेशन एक्स वाई तो एक्चुअल मीन वाला लग रहा है हमें स्मॉल वाला एक्स स्मॉल वाला वाई एक्स वाई और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले कॉपिशन निकालिया समीशन एक्स वाई अपॉन एक्स क्यों सोल्व करके आ गया रिग्रेशन कॉपिशन एक्स ऑन वाई आपके पास आ गया दिस फिर आपने इक्वेशन बनाई एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई इन वाई माइनस वाई बार वैल्यू पुट करी सिंपल आ गया ऐसे ही वाई ऑन एक्स कर लिया रिकॉर्शन कॉफिशियंट भी आपको फाइंड आउट करना है आल्सो फाइंड आर आर का जो होगा हमारे पास इन इनका ज्योमेट्रिक मेन होता है इन दोनों का रूट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इज द फॉलोइंग टेबल गिव द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एंड प्रोडक्टिविटी इंडेस ऑफ टेन वर्कर्स सेलेक्टेड एट रैंडम एप्टीट्यूड स्कोर है आपके पास फिर प्रोडक्टिविटी स्कोर ये गिवन है आपके पास फाइव इन्फॉर्मेशंस है देखते हैं आगे भी है क्या ये टेन इंफॉर्मेशन है ये कैलकुलेट करना रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेट द टेस्ट स्कोर ऑफ अ वर्कर हुज प्रोडक्टिविटी इंडेक्सेज सेवेंटी फाइव और फिर हमारे पास है जिसका क्या हो आपके पास नाइन्टी टू तो हम इसको लेट कर लेंगे एप्टीट्यूड स्कोर को एक्स दे भी रखा है और प्रोडक्टिविटी y तो दोनों निकालने हैं हमें पहले तो टू रिग्रेशन इक्वेशंस y ऑन x भी निकालेंगे और x ऑन y भी हम फाइंड आउट करेंगे तो करना क्या है पहले x है उसका समेशन क्या x बार निकाल लिया समेशन x अपॉन n ये एज्यूम मीन एक्चुअल मीन मेथड है हमारा 650 फिफ्टी अपॉन टेन कट हो गया आ गया सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव आप इसमें से क्या कर दोगे सब में से सबट्रेक्ट कर दोगे समेशन एक्स आ गया ज़ीरो फिर इसका एक्स स्क्र निकाल लिया ऐसे ही वाई वाई का बार निकाला हमने वो आया सिक्सटी फाइव तो स्मॉल वाई हो जाएगा वाई माइनस वाई बार फिर वाई स्केयर फिर वाई के एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई हो जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन निकाला आपने एक्स ऑन वाई एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू तो बी एक्स वाई इन टू वाई माइनस वाई बार सारी वैल्यूज पुट कर दी इसी तरीके से उसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट आपके पास चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल तो इसने कहा है हमें पहले भी बताया है रिग्रेशन के जो कॉफिशियंट है इंडिपेंडेंट है ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजन बट नॉट ऑफ स्केल दिस मीन्स दैट इफ सम कॉमन फैक्टर इज टेकन फ्रॉम द आइटम ऑफ द सीरीज देन इन वट वी हैव टू मल्टीप्लाई द रिग्रेशन फॉर्मूला विथ द कॉमन फैक्टर देखो ये आपके पास है फाइव ईयर्स का डाटा हमें गिवन है मोटर रजिस्ट्रेशन गिवन है नंबर ऑफ टायर्स सोल्ड गिवन है रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है टू एस्टिमेट द सेल ऑफ टायर व्हेन मोटर रजिस्ट्रेशन इज नॉन अगर मोटर रजिस्ट्रेशन हमें जानते हैं तो सेल ऑफ़ टायर आपको एस्टिमेट लगाना है एस्टिमेट द सेल ऑफ टायर व्हेन रजिस्ट्रेशन इज 850 अगर रजिस्ट्रेशन 850 हो यहाँ तो आपका क्या होगा एस्टिमेट ऑफ सेल तो हम क्या करेंगे इसके लिए पहले जो हमारे पास है हम ये वाला यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड स्केल वाला तो हमने इसको मान लिया एक्स रजिस्ट्रेशन वाले को इसको मान लिया नंबर ऑफ टायर सोल्ड को वाई जो आपके पास आ गया सिक्स थर्टी फिर सेवन ट्वेंटी सेवन फिफ्टी एट हंड्रेड तो सबके साथ बहुत सारे वो हैं तो हम मान के चलते हैं एक्स माइनस एक्स बार अपोन में एच हमारा फॉर्मूला होता था डी का तो स्मॉल एक्स का इस वाले में क्या लगाएंगे एक्स माइनस एक्स बार अपन में डिफरेंस एच होता है तो एक्स हमारे पास है ही एक्स बार हम निकालेंगे एक्स बार आया हमारे पास सेवन हंड्रेड तो इसमें से सेवन हंड्रेड माइनस करो और अपॉन में करो एच होता है आपके पास या तो कॉमन डिफरेंस हो सब में यहाँ थर्टी का है फिर नाइन्टी फिर थर्टी फिर ट्वेंटी फिफ्टी तो हम क्या करेंगे सबके पीछे ज़ीरो ज़ीरो जीरो है तो हमने टेन लेट कर लिया जो हमारा एच है वो टेन है एक्स माइनस एक्स बार अपॉन टेन तो इसमें से आप माइनस कर लो सेवन हंड्रेड में से हंड्रेड अपॉन में टेन सिक्स थर्टी अब माइनस सेवन हंड्रेड माइनस सेवन अपॉन टेन सेवन ट्वेंटी माइनस सेवन हंड्रेड ट्वेंटी अपॉन टेन सेवन फिफ्टी माइनस सेवन फिफ्टी अपॉन टेन यहाँ आ जाएगा सेवन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड हंड्रेड बाई टेन टेन हो जाएगा एक्स कयर आ गया फिर वाई है आपके पास वन टू फाइव जीरो वन वन जीरो वन थ्री जीरो वन थ्री फाइव जीरो वन फाइव डबल ज़ीरो इसमें सब में से डिफरेंस अगर देखो मैक्सिमम डिफ, मिनिमम डिफरेंस 50 का है और सारे ही नंबर 50 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमने फॉर्मूला लगा लिया इसमें डिफरेंस को मान लिया 50 वाई माइनस वाई बारह पौन में 50 इसको सोल्व करके आया दिस फिर एक्स केयर निकाला फिर एक्स की वाई से मल्टीप्लाई की समीशन एक्स वाई अब देखो इसमें क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई अब हमने पहले कॉफिशन निकाला कॉफिशियन निकालते टाइम आपने ध्यान देना है वाई ऑन एक्स आप निकाल रहे हैं अब समीशन एक्स वाई अपोन समेसन एक्स स्वेयर इन टू जो हमारे पास है डिफरेंस ऑफ वाई अपॉन में डिफरेंस ऑफ एक्स इसमें ध्यान रखना X है एक्स वाला अपॉन में ही रहेगा वाई वाला अब डिफरेंस आपको निकालना है तो आपके पास क्या आ गया समेन एक्स वाई आई एट्टी थ्री अपोन समेसन एक्सक्र टू सेवेंटी एट इन इसका डिफरेंस था फिफ्टी इसका डिफरेंस हमने लिया टेन वाई ओन एक्स करेंगे अब अब वाई ओन एक्स भी सेम हो जाएगा फिर हमारे पास है सेल ऑफ़ टायर वेन्ड रजिस्ट्रेशन इज एक एक्स इज इक्वल टू एट फिफ्टी इज गिवन बाय यहाँ पर वैल्यूट पुट कर देना एक्स की तो आपका सोल्व करके आ गया दिस ऑप्टेन द कोलिशन कॉफिशेंट एंड रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फोलोइ इक्वेश्स ये दे रखा है हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसी के हिसाब से हमें कोरलेशन कॉपिशन और रिग्रेशन निकालना है वाई ऑन एक्स जो जो डाटा हमें गिवन है समेशन एक्स समेशन वाई एक्स माइनस समे एक्स बार हो गया ये एक्स माइनस एक्स बार अपॉन का इज इक्वल टू दिस वाई माइनस वाई बार का ये हो गया हमारे पास वाई बार ये हो गया एक्स बार तो एक्स ये हो गया समेशन एक्स वाई ये हो गया आपके पास समेशन एक्स क्योर ये हो गया आपके पास समेशन वाइस क्योर बस सिंपल हो जाएगा आप सब में समीशन एक्स क्योर समेन वाई स्केयर समेन एक्स वाई कॉफिशन ऑफ कोरलेशन होता है हमारे पास समीशन एक्स वाई अपोन समीशन एक्स क्योर इंटू समेशन वो सॉरी एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई स्केयर तो हमने यही निकाला इनका रूट में कर दिया रूट वाला हमारे पास हो गया समेन एक्स केयर यहाँ से रूट समीशन वाइज किया इसकी वैल्यू पुट कर दी सोल्व करके आया जीरो पॉइंट फोर एट फाइव वन से ज़्यादा नहीं आना चाहिए फिर वाई ओ नेक्स आपने निकाल लिया सोल्व करके हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा बस आपको मेन ध्यान क्या रखना है एक तो कोफिशन कैसे फाइंड आउट करना है और एक इक्वेशंस में क्या क्या लगेगा नेक्स्ट है आपके पास ग्राफिकल ग्राफिंग रिग्रेशन लाइन्स रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई है आपके पास तो हमारे पास जो लाइन होगी वो कैसे होगी रिग्रेशन लाइन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई फिर वाई ऑन एक्स है तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स द फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन अप टू रिग्रेशन लाइन ऑन द ग्राफ पेपर विद द हेल्प ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास एक्स है वन टू थ्री फिर वाई की वैल्यू है हमारे पास फाइव फोर सिक्स एक्स माइनस एक्स बार निकाल दिया हमने एक्स माइनस एक्स बार निकाला एक्स बार की वैल्यू आ गई थी हमारे पास इनको प्लस करके आया समेन सिक्स एन है थ्री टू आ गया आपके पास टू माइनस कर लो समेन एक्स केयर आ जाएगा फिर वाई किया वाई माइनस वाई बार कर लिया वाई स्केयर आ गया एक्स वाई बस सिंपल आपने क्या करना है इनको इससे वैल्यूज आ जाएंगे आपकी ये इक्वेशन बन गई रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स ये एक्स ऑन वाई बन गई रिग्रेशन लाइन को अब हमें ग्राफ पे बनाना है ये वाली जो है इसमें एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे अपनी मर्जी से जैसे हमने कर ली वन टू थ्री ये आगे वैल्यूज़ यहाँ हमारे पास बन जाएगा ये एक्स की वैल्यू अगर वन है तो वाई की है फोर पॉइंट फाइव एक्स की वैल्यू अगर टू है तो वाई की वैल्यू है, तो है फाइव थ्री है तो फाइव पॉइंट फाइव इसी तरीके से हमने यहाँ पर पुट किया वाई को पुट कर लिया पुट वाई इज इक्ल टू इसी के अराउंड पुट कर लिया हमने फोर पॉइंट फाइव पुट किया तो फाइव पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई दस फिर फोर पुट कर लिया फिर हमने सिक्स पुट कर लिया इस वाले में वाई वाले में हमने ध्यान रखा इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे उसके बाद इसको भी ग्राफ पे प्लॉट कर दिया टू पे हमारे पास है एक्स की वैल्यू टू है तो वाई है हमारे पास फाइव वन पॉइंट फाइव है तो फोर टू पॉइंट फाइव है तो सिक्स बस इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया एक्स ऑन वाई वाई ओन एक्स आ गया आपके पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आपके पास आ जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो पहले आपने दोनों इक्वेशन निकाल लेनी है एक्स ऑन वाई और वाई ओन एक्स फिर वैल्यूज पुट करके फिर सिंपली आपने कर देना है नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूट द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा तो इस डाटा के लिए आपने इक्वेशन करनी है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक y वेरिएबल है तो हमने पहले कैपिटल x था समीशन x निकाल लिया x बार निकाला सिक्स आया y बार निकाला टेन तो स्मॉल x हो जाएगा x माइनस एक्स बार इसमें से माइनस करते गए सिक्स 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 ऐसे ही एक्स स्यर हो गया फिर y y माइनस वाई बार फिर वाई स्केयर फिर x की y से मल्टीप्लाई एक्स वाई ये आ गया हमारे पास दिस फिर हमारे पास है कॉफिशन निकाला वाई ऑन एक्स समेशन एक्स वाई अपन समेन एक्स क वैल्यू पुट करके दिस फिर रिग्रेशन इक्वेशन पे हमने पुट कर दिया वाई ऑन एक्स क्योंकि हमें जो इक्वेशन निकालनी थी उन्होंने कहा था अप्रोप्रिएट निकाल लीजिए जो आपको ठीक लगता है तो हमें जो अप्रोप्रिएट लगा वो लगा कि वाई ऑन एक्स क्योंकि वाई वाला डाटा अगर हम देखें ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं इजली तो वाई और एक्स हमने ले लिया वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार वैल्यूज फुट कर दी और ऐसे ही हमारी ये इक्वेशन एक्सरसाइज है पूरी की पूरी आराम से हो जाएगी टेन क्वेश्चन है दैट्स ऑल अबाउट टूडे थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स